सुनू, हमर नाम रोहन अछि। की अहाँ हमरा बता सकै छी कि कंप्यूटर में कोन कोन सेवा प्रदान करैत अछि? हाँ बिल्कुल, हमर नाम गीता अछि और जेना अहाँ देख रहल छी कि हमरा पास इंटरनेट के सुविधा भेल कंप्यूटर अछि, जै के जरिए हम विभिन्न सेवा लऽ सकै छी, जेना रेल के टिकट बुकिंग करय के होय, विभिन्न प्रकार के सूचना जानय के होय, बिजली बिल लेबय के होय, मोबाइल फोन में बिल भुगतान करय के होय, बैंक में लेन देन के बात होय, या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड आवेदन आदि इत्यादि सब सुविधा प्राप्त कऽ सकै छी। अच्छा, ऐ के मतलब आब हमरा गांव के लोक सब के शहर नै जाय पड़ते, शहर जाय के आवश्यकता नै पड़ते ने? हाँ बिल्कुल नहीं, यदि गांव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध होए तो फिर अइ काम के लेल बाहर जाय के कोनो जरूरी नहीं पड़ेत अछि। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी के बात छे। हमरा लाग रहल अछि, हमरा पूरा विश्वास अछि जे ई बात जान कऽ हमर गांव के लोक सब बहुत खुशी होते, बहुत प्रसन्न होते। हाँ बिल्कुल, अहाँ अपन गांव के लोक के जरूर बता दियो। सुनू, हमर नाम राम प्रसाद अछि। अहाँ कोन कोन ऑनलाइन सेवा प्रदान कऽ सकै छिये? की हमरा बिना शहर गेने अहाँ हमर बिजली बिल के भुगतान एतय से करा सकै छिये? हमरा यात्रा करय में बड़ तकलीफ होइए। हाँ बिल्कुल, अहाँ बिना एते दूर गेले अपन बिजली बिल के भुगतान कऽ सकै छी। एहन छै, ई त हमरा लेल बहुत सुविधाजनक हेतै। की अहाँ कंप्यूटर से फसल के बजारू भाव बता सकै छी? हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिया सा वर्तमान में खेती बाड़ी में जे भी होवा वाला बात छे सेहो इंटरनेट से पता लगा सकै छी। ई त आश्चर्यजनक छै, की ई सबटा सुविधा गांव में प्राप्त कऽ सकै छी? हाँ, इंटरनेट के जरिए ई सब सूचना अहाँ के अपने गांव में ही प्राप्त भ जात। हम सुनने छिए जे कि आइ काल इंटरनेट के सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होय छे, कि ई सच्चे छे? हाँ रोहन, न कि मोबाइल फोन बल्कि आइ काल लोग स्मार्टफोन अथवा टेबलेट पर भी इंटरनेट के कनेक्शन से बहुत सारा काम के फायदा लेते अछि। ई बात सब सुने में बहुत नीक लागि रहल अछि कि अहाँ हमरा कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टेबलेट के बारे में सिखा सकै छी। कई नहीं रोहन, अहाँ बाइसू हम अहाँ के कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट के बारे में बतबै छी। सबसे पहले हम ई सीखै छी जे कंप्यूटर की अछि। कंप्यूटर एगो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होय छे जेकर उपयोग आंकड़ा और सूचना के समाकलन व प्रसंस्करण के लेल कयल जाय छे। हम कंप्यूटर से की कह सकै छी? कंप्यूटर के जरिए अपना से दूर रहा वाला परिवार के सदस्य के जुड़ा सकैत अछि, रेल टिकट बुकिंग करा सकैत अछि, बैंक में लेन देन के काम कऽ सकैत अछि, खेल खेल सकै छी, बहुत सारा गेम खेल सकै छी, सिनेमा देख सकै छी और अन्य छे। आब हम कंप्यूटर व कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सा के बारे में सीखब। प्रदर्शित कंप्यूटर दू भाग में विभाजित अछि, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वा वैसे जोड़ा वाला उपकरण के हार्डवेयर कहते अछि। कोनो कार्य के पूरा करय के लेल कंप्यूटर निर्देशन के जै समूह या समूह के पालना करैत अछि ओकरा सॉफ्टवेयर कहैत अछि। एकर मतलब ई छै कि स्क्रीन पर देखाय वाला सब आइकन सॉफ्टवेयर होइत अछि। हाँ रोहन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम होइत अछि जैमे अपना सबके विभिन्न काम करय पड़ैत अछि। आब अपना सबके विभिन्न उपकरण के विषय में जानय के चाही जैसे कंप्यूटर बनैत अछि।
कंप्यूटर के तीन अंग होइत अछि, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस। जेना कि एक ट्रैक्टर के चलाबे के लेल डीजल अथवा पेट्रोल के आवश्यकता होइत अछि, ठीक बस ओही तरह कंप्यूटर में डाटा भर, निर्देशन अथवा सूचना संचालित कर विभिन्न कार्य के लेल उपकरण के आवश्यकता होइत अछि। कंप्यूटर में डाटा भर, निर्देश अथवा सूचना संचालित कर के जेमे उपकरण के प्रयोग कयल जाइत अछि, ओकरा इनपुट डिवाइस कहैत अछि। एहि चित्र के देखियो, ई कुछ इनपुट डिवाइस छै, एकर प्रयोग कंप्यूटर में होइत अछि। ई इनपुट डिवाइस निम्न अछि, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, सीडी, माइक्रोफोन। कीबोर्ड और माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइस अछि। ई बिल्कुल टाइपराइटर के कीबोर्ड के जेका होइत अछि, एहि में कुछ अतिरिक्त बटन आवश्यक अछि। हाँ, सामान्य कीबोर्ड के बटन के साथ एहि में कुछ अंको एवं विशेष बटन आवश्यक होइत अछि। दीदी, की अहाँ हमरा बतायब कि विशेष बटन के प्रयोग कथी ला कयल जाय छै? अंक बटन के सहायता सँ कैलकुलेटर के भांति कंप्यूटर में अंक भरल जाइत अछि। नेविगेशनल बटन मार्गदर्शक बटन होइत अछि, जे मॉनिटर पर पेज देखा में सहायक होइत अछि। प्रोग्राम में पेज अप बटन विषय के देखा वाला भाग और कर्स के स्क्रीन पर आगा बढ़वैत अछि। प्रोग्राम में पेज डाउन बटन देखा वाला भाग और कर्सर स्क्रीन पर पीछा करैत अछि। प्रोग्राम में होम बटन क्रसर के विषय में प्रारंभ में लऽ जाइत अछि। प्रोग्राम में एंड बटन क्रसर के विषय के अंतिम लाइन में लऽ जाइत अछि। प्रोग्राम में ई तीनू बटन संपादन बटन कहल जाइत अछि, जे कंप्यूटर में पीठनीय विषय में संशोधन करय में सहायक होइत अछि। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में इंसर्ट बटन के प्रयोग कोनो लेख में शब्द के भरा या लिखावट पर शब्द के पूर्ण लेख में होइत अछि। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्राम में एक एक अक्षर दाई और मिटाबैत अछि। बैक स्पेस बटन लेख संपादन प्रोग्राम में एक एक अक्षर बाई और मिटाबैत अछि। ये चारटा बटन कोन कोन काम में प्रयोग कयल जाइत अछि? ई चारू बटन दिशा निर्देशन बटन कहलावैत अछि। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में कर्सर के स्क्रीन पर ऊपर के और लऽ जाइत अछि। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में कर्सर के स्क्रीन पर नीचा के ओर ल जाइत अछि। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में कर्सर के स्क्रीन पर बाई के ओर ल जाइत अछि। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में कर्सर के स्क्रीन पर दाई के ओर ल जाइत अछि। की अहाँ एफ एक से ल कऽ एफ 12 तक के बटन के देख रहल छिये? ई बटन फंक्शन कहलावैत अछि। ई बटन कंप्यूटर पर सक्रिय प्रोग्राम के अनुसार निर्देशित कैल विशेष कार्य पर निष्पादित करैत अछि। ज्यादातर प्रोग्राम में एस्केप बटन चल रहल प्रक्रिया के समाप्त कऽ देत अछि। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन प्रक्रिया परिवर्तन बटन अछि, जे ज्यादातर प्रोग्राम में विशिष्ट कार्य और माउस के प्रक्रिया के या तो परिवर्तन कऽ देत अछि या तो बढ़ा देत अछि। विंडो बटन विंडोज बटन के स्टार्ट मेनू के सक्रिय कऽ देत अछि। ई बिल्कुल ओहने होइत अछि जेना कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करय में होइत अछि। अखन तक अपना सब कीबोर्ड के विभिन्न बटन के बारे में सिखलो, आब हम सब माउस के बारे में सीखे छी।
माउस एक देखावा वाला यंत्र है जेकर प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा वाला विषय आइकन्स के इंगित क वही पर पारस्पर संबंध बनाव के लिए होत अहा देखबे कि अहा माउस के स्क्रीन पर जेना जेना चलेबे तेना चलत जै दिशा में अहा स्क्रीन पर लो जेबे ओई दिशा में जात ई तीर के जका होत एकरा प्वाइंटर कहल जात अइ के सहायता से कंप्यूटर के प्रक्रिया के डाटा निर्देशन उपलब्ध करा सकत माउस में दू बटन होत बाया बटन और दाया बटन माउस के दुनू बटन के बीच में एक घुमाव वाला चक्का भी होत जेकर मदद से अहा लेख वाला या फिर वेब पेज खोल के हो या फिर कोनो भी काज कर के हो उकरा अहा आसानी से चला कर ला जा कर सके छी। ई माउस द्वारा करा वाला किछ कार्य सब माउस के बाया बटन के एक बार दबा कर स्क्रीन पर कोनो प्रोग्राम के चुनल जा सकत माउस के बाया बटन के लगातार दू बार बिना कोनो अंतराल के क्लिक क कोनो प्रोग्राम के अंदर प्रवेश क सके छी। माउस के दाया बटन के दबेला से इंडेक्स मेनू खुल जात घुमाबा वाला चक्का स्क्रीन पेज के ऊपर नीचा खिसकाबा में सहायता करत जै तरह से दाना से भूसा या गेहूं के पीसा में ग्राइंडिंग मिल प्रोसेसिंग मशीन के तरह काम करत ओही तरह कंप्यूटर में वह यंत्र जे डाटा संग्रहण और संरक्षण के नियंत्रित करत ओ प्रोसेसिंग डिवाइस कहबत कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेस कल जात फिर कंप्यूटर के मेमोरी या रैम में संरक्षित क दत अही तरह कंप्यूटर के साथ परिमाण के देखाव के लेल जे यंत्र प्रयोग में लायल जात ओकरा आउटपुट यंत्र कहत मॉनिटर एक बहुत ही सामान्य आउटपुट यंत्र मॉनिटर स्क्रीन जेकर प्रयोग आउटपुट जेहन शब्द अंको या चित्रों के देख में होत मॉनिटर दू तरह के होत कैथोड रे ट्यूब CRT दोसर फ्लैट पैनल डिस्प्लेज प्रिंटर कंप्यूटर से प्रस्कृत डाटा लेत जेकरा सॉफ्ट कॉपी कहत और ओकरा छपा कर निकाल सकत जेकरा हार्ड कॉपी कहत प्रिंटर तीन तरह के होत एक जेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीकर एक आउटपुट यंत्र है जै के द्वारा अपना सब आवाज सुने छे स्पीकर के बिना हम गाना अथवा आवाज के आदि इत्यादि नहीं सुन सके छे हेडफोन कंप्यूटर से आवाज आउटपुट देत इहो स्पीकर की तरह होत किंतु ओकरा कानों पर पहनल जा सकैया ताही लेल एकरा केवल एक समय में एक व्यक्ति आउटपुट सुन सकैया प्रोजेक्टर एक आउटपुट यंत्र है जेकरा कोनो प्रकार के लेख या चित्र के फोटो के समतल स्क्रीन पर दिखा देत अधिकतर प्रोजेक्टर के प्रयोग सम्मेलन में अथवा प्रस्तुतिकरण में होत जै के द्वारा प्रदर्शित होबा वाला कई लोग एक साथ दिखाई देत अखन तक अपना सब कई तरह के इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लिया आप चलू अपना सब मजेदार गतिविधि में भाग दीदी कंप्यूटर सारा डाटा के कहाँ संचालित करते जै तरह से अहा के दिमाग बहुत सारा आवश्यक चीज के याद रखे में मदद करते बस वही तरह से कंप्यूटर में डाटा संचालित करे पड़ते जेकरा कंप्यूटर मेमोरी कहते कंप्यूटर के मेमोरी दू तरह के होते प्राथमिक
अथवा मुख्य मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मुख्य प्राथमिक मेमोरी बहुत तेज अछि, एकरा रेम कहते अछि। एकर अर्थ रेमंड एक्सेस मेमोरी अथवा रेम होइत अछि। कंप्यूटर के गति रेम पर निर्भर होइत अछि। डाटा या निर्देश मुख्य मेमोरी में संचालित रहत अछि, जतः से प्रोसेस कऽ डिजिटल प्राप्त करय के लेल सीपीयू में पुनः प्राप्त कैल जा सकत अछि। रेम उ मेमोरी होइत अछि जतः सारा प्रोग्राम संचालित कैल जाइत अछि। कंप्यूटर के गति रेम पर निर्भर होइत अछि। कैश मेमोरी उ मेमोरी अछि जे रेम के अंग होइत अछि और प्रोसेसर के बहुत पास होइत अछि। एकर प्रयोग प्रोसेसिंग गति के सुधारक के लेल कैल जाइत अछि। प्राथमिक मेमोरी सीमित होइत अछि, ताहि लेल असीमित डाटा के सुरक्षित करय के लेल द्वितीयक मेमोरी के प्रयोग करैत अछि। चूंकि कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी पर सुरक्षित डाटा के सीधे प्रेस नहि कऽ सके, अतः प्रेस करय के लेल पहले रेम पर ओकर नकल तैयार कैल जायत। ई कुछ डिवाइस अछि जे द्वितीयक मेमोरी के तरह कार्य करैत अछि, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी। कंप्यूटर डाटा अपन मेमोरी के कोना सुरक्षित करैत अछि? कंप्यूटर सब सूचना के केवल दू अंक 0 और 1 में संचालित करैत अछि। एक अकेले बाइनरी डिजिटल अर्थात एक अथवा 1-0 के बिट कहते अछि। 8 बिट्स के एक ग्रुप एक वाइट कहते अछि। अइ सरणी के देखू, अइ में बिट्स और बाइट्स के बीच में संबंध देखात। जे कार्य पूरा करय के लेल या हार्डवेयर के नियंत्रित करय के लेल प्रयोग कैल जायत अछि सॉफ्टवेयर कहलबैत अछि। सॉफ्टवेयर प्रोग्रेसम निर्देशन के योजनाबद्ध क्रमवार समूह अछि जे कंप्यूटर के निर्देशित करैत अछि जे की करय और केना करय चाहे। सॉफ्टवेयर दू प्रकार के होइत अछि, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उ प्रोग्राम होइत अछि जे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य करय के पूरा करय में मदद करैत अछि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस ड्रो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण अछि। कंप्यूटर चलाबय के लेल अहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यकता होइत अछि जे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अछि। चलू आगे बढ़े से पहले एक्टिविटी में भाग ले छी। गीता ई सब रुचिगर छे। हम पहले कहियो कंप्यूटर नहीं चलेलिए ये। कि अहां हमरा बता सके छी कि कंप्यूटर केना स्थापित कैल जाय छे आर केना चलायल जाय छे? अवश्य चाचा, हम सब कुछ समझा देब। सबसे पहले अहां के कंप्यूटर के विभिन्न अंग के परिचय द दे छी। ई मॉनिटर अछि, ई टेलीविजन के तरह होइत अछि और एकर स्क्रीन पर आउटपुट देख सके छी, यानी कोनो भी प्रकार के चित्र देख सके छी। ई सिस्टम बॉक्स छै, एहिसँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होइत अछि। ई सीपीयू ही कंप्यूटर के मुख्य दिमाग होइत अछि। ई कीबोर्ड और माउस छै, ई दुनू इनपुट डिवाइस छै जेके द्वारा कंप्यूटर में डाटा भरल जाइत अछि। कंप्यूटर के जोड़य के लेल सबसे पहले मेन पेज राखू, तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर राखू। सिस्टम बॉक्स के पाछा भाग देखियो, अइ में विभिन्न डिवाइस जोड़य के लेल खाँच सब बनायल गेल रहत जेकरा पोर्ट कहैत अछि। आब अइ तरह से मॉनिटर सिस्टम जोड़ल जा सकैत अछि। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट के BGA
पोर्ट कहैत अछि। एहिसँ मॉनिटर के जोड़ वाला तार के बीजीए केबल कहैत अछि। बीजीए केबल तार एक सिर सिस्टम के बीजीए पोर्ट से तथा दोसर मॉनिटर से जोड़ देत अछि। कीबोर्ड दू प्रकार के कनेक्टर वाला होइत अछि, PS2 कनेक्टर अथवा USB कनेक्टर। कीबोर्ड के कनेक्ट करय के लेल ओहि कनेक्टर के सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ देत अछि। माउस तीन प्रकार के कनेक्टर वाला होइत अछि, PS2 कनेक्टर, USB कनेक्टर अथवा सीरियल कनेक्टर। माउस के कनेक्ट करय के लेल कनेक्टर सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ देत अछि। ओहि तरह यदि अहाँ प्रिंटर के जोड़ चाहै छी तऽ ओहि कनेक्टर जे एहि दुनू में से कोनो एक प्रकार के होइत अछि, समांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट जे कि सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ देत अछि। धन्यवाद गीता। आब हम कंप्यूटर के बिजली के मेन बोर्ड से केना जोड़ सके छी? कंप्यूटर दू बिजली के तार से सप्लाई होइत अछि। एक बिजली सप्लाई तार के सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दोसर तार के मॉनिटर के पोर्ट से लगा दियो। ओकर बाद दुनू तार के बिजली के बोर्ड से या UPS से जोड़ दियो। की अहाँ हमरा देखा सके छी कि कंप्यूटर के केना जोड़े छिए? बिल्कुल। कंप्यूटर चालू करे के लेल निम्न कार्यवाही के अनुसरण करो। पहले सिस्टम यूनिट वा मॉनिटर दुनू बिजली सप्लाई से चालू करो। सिस्टम यूनिट के पावर बटन दबा कर ओकरा चालू करो वा मॉनिटर के पावर बटन दबा कर ओकरा चालू करो। कुछ क्षण इंतजार करो और देखो कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आव लागल अछि। एकरा बूट स्क्रीन कहैत अछि। धीरे धीरे सब सॉफ्टवेयर लोड भ जायत। तऽ आब कंप्यूटर प्रयोग करय के लेल तैयार छियै? धन्यवाद गीता। पहली बेर न केवल हम कंप्यूटर देखलियै बल्कि ओकरा चालू करने भी सिखलियै। हाँ, कंप्यूटर के विषय में ये सब बात जानकारी देवे के लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आब की हमरा सब के मोबाइल फोन टेबलेट के बारे में बता देव? बिल्कुल रोहन, हम अहाँ के सिखायब कि मोबाइल फोन व टेबलेट कोना चला सके छी। अरे ई सब चीज के बारे में हमू सीखे चाहे छी। सबसे पहले हम सब मोबाइल फोन व टेबलेट के विभिन्न अंग या कार्य के उपयोग के बारे में जानी। जेना कि अहाँ सब जानते छिए जे कि बेसिक मोबाइल फोन एक एहन यंत्र अछि जे अहाँ के कॉल करय के लेल, कॉल प्राप्त करय के लेल, मैसेज लिखय के लेल, मैसेज भेजय के लेल, मैसेज प्राप्त करय के लेल प्रयोग कऽ सकै छी। आधुनिक मोबाइल फोन में कई तरह के विशेषता होइत अछि, जेना कि इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रणाली। ई फोन स्मार्टफोन कहलावैत अछि। कुछ मोबाइल फोन में दू दू सिम कार्ड एक साथ फिट भ जाइत अछि, ओकरा डबल सिम फोन कहैत अछि। फोन के विभिन्न अंग के देखू। गीता, की अहाँ हमरा ई बता सके छी कि फोन में बैटरी आर सिम केना लगबे छै? बिल्कुल, बस नियम प्रक्रिया अनुसरण करू। सबसे पहले फोन के स्विच ऑफ कर दियौ और पिछला जे ओकर कवर है ओकरा निकाल दियौ। ओकर बाद फोन के बैटरी निकाल दियौ। सिम के खांच में सिम लगा कर पुनः बैटरी लगा दियौ। अंत में बैटरी व कवर पुनः लगा दियौ
और फोन चालू कर लिया। धन्यवाद गीता, हमारा फोन के बैटरी चार्ज करे में परेशानी हुई है। चिंता नहीं करो, बस निम्न प्रक्रिया के अनुसरण करो। सबसे पहले चार्जर के दीवाल में लागल बिजली बोर्ड में लगाओ। अब चार्जर के फोन में लगाओ। कुछ समय जब मोबाइल बैटरी फुल भ जाए तो सबसे पहले चार्जर के फोन से निकाल लिया, फिर दीवार से निकाल दियो। हम अहाँ के सिखबे छी कि फोन बटन के लॉक आ अनलॉक कोना कैल जा सके। हमरा बटन किया लॉक करना चाहिए, अब ई लॉक केना खुलते? चचा, जब अहाँ बेसी समय तक फोन यूज नहीं करे छी तो फोन के लॉक क के राखा चाहिए। ई प्रक्रिया छे। फोन लॉक करे के लेल सेलेक्ट मेनू पर जाओ और स्टार्ट बटन दबाओ। एकरा खोले के लेल फोन के अनलॉक बटन दबाओ और तब स्टार्ट बटन के दबाओ। हमरा लग ई नया मोबाइल है और हमरा ई तक नहीं पता है कि एकर विशेषता केना देखी। सबसे पहले मेनू आइकन पर छू आ बटन के दबाओ, जैसा फोन के सारा फंक्शन देखाए लागत। और पाछा जाए के लेल पिछला आइकन के छू या फिर बटन दबा दियो। पुनः आरंभ में जाए के लेल होम आइकन के छू या बटन के दबाओ। बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन के रिंगटोन बदले के लेल निम्न प्रक्रिया के अपनाओ। बेसिक फोन के लेल पहले मेनू चुनू, फिर सेटिंग, तब टोन चुनू और टोन के नीचा ऊपर का कर रिंगटोन पर जाओ। फिर गैलरी खोले के लेल खिसक कर गैलरी पर जाओ, जत अहाँ के कई प्रकार के रिंगटोन देखात। आब अहाँ अपन इच्छा अनुसार टोन के चयन कर सकै छी। टच स्क्रीन वाला फोन में टोन बदले के प्रक्रिया, सबसे पहले होम आइकन के छू या फिर मेनू आइकन के छू, फिर पर्सनलाइजेशन सेटिंग आइकन के छू, फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन के छू, तब रिंगटोन या नोटिफिकेशन रिंगटोन आइकन के छू, तब रिंगटोन के सूची में खिसक कर अपन इच्छा अनुसार रिंगटोन चुनो। चुनला के बाद ठीक यानी ओके आइकन के छू। हम अपन फोन में अलार्म सेट करे चाहे छी। सुबह जल्दी के लेल अलार्म सेट करा में अहाँ हमर मदद कर सके छी? निम्न प्रक्रिया से अहाँ स्वयं कर सके छी। बेसिक फोन के लेल सबसे पहले हाँ मेनू में अनुप्रयोग के चुनू, फिर अलार्म घड़ी, ओकर बाद अलार्म घड़ी समय सेट कर सेव कर दियो। यदि अहाँ अलार्म के दोहराव चाहे छी तो चयन करू, ओकर विकल्प में जाओ और दोहराओ, फिर दुनू के चयन करो आ संपन्न में क्लिक कर दियो। टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाओ। पहले मेनू छू, तब घड़ी के छू, फिर अलार्म के छू, अलार्म के सेट करू और सेव करू। दीदी, की अहाँ हमरा टेबलेट के बारे में बता सके छी? हाँ जरूर, हम अखने बतावा बाली छलिए। टेबलेट एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जे एक स्मार्टफोन अथवा एक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर के जका होइत अछि। आइ काल्हि टैबलेट अपन सुविधाजनक आकार और फीचर के सरल उपयोग के कारण से बहुत लोकप्रिय भ गेल अछि। एकर उपयोग हम सब इंटरनेट पर ब्राउजर मेल चेक कर, डाउनलोड कर, किताब पढ़, गेम खेल, वीडियो देख, एकर अलावा संगठक के रूप में कैल जायत अछि। टैबलेट विभिन्न प्रकार के होइत अछि। एहिठमन कुछ ई अछि। बुकलेट टैबलेट पीसी के सबसे सरलता रूप अछि जे किताब के जेका दिखाई देत अछि। एहि डिवाइस के दू तरफ डिस्प्ले होइत अछि
और एकर कार्य प्रणाली दोनों तरफ से छुब से काम करत हस्तलेख के पहचाना वाला सॉफ्टवेयर होत जे अपना सबके स्क्रीन पर ओहनही लिख के अनुमति जेना कि अहा पेपर पर लिख सके छी। स्लेट सबसे साधारण और सबसे ज्यादा पाए जाए वाला टेबलेट पीसीएच जे अधिकतर मनोरंजन के लेल फिल्म देखा के लेल या फिर इंटरनेट चलावे के लेल वीडियो देखा के लेल वीडियो कॉल करे के लेल दोस्तों के साथ चैट करे के लेल प्रयोग कर सके छी। कन्वर्टेबल लैपटॉप लगभग पारस्परिक लैपटॉपों के जका होत अई में बस एकटा बड़का फर्क ई अछि कि अई में टच स्क्रीन डिस्प्ले होत अछि जैसे 180 डिग्री तक घुमायल जा सकत अछि। हाइब्रिड टैबलेट में स्लेट और कन्वर्टेबल टैबलेट दुनू में से सबसे नीक व्यवस्था सम्मिलित होत अछि। हाइब्रिड टैबलेट के अलग भौ जाय वाला कीबोर्ड के साथ अबैत अछि जे कि देल गेल सेलेक्ट के जरिए सेलेक्ट पीसी में जोड़ कर टैबलेट पीसी में बदल जायत अछि। एक रग टैबलेट ओहि उपयोगकर्ता के लेल नीक अछि जे कठिन वातावरण परिस्थितियों में कार्य करैत अछि। अइ के अंदर के हार्डवेयर झटकों के सहन करा वाला और एकर सुरक्षात्मक कवच एकरा कापी के टिकाऊ बनबैत अछि। मुदा एक बात अहाँ के हमेशा ध्यान में रखनाइ अति आवश्यक अछि कि प्रथम बार एकरा उपयोग कर से पूर्व एकर बैटरी के कम से कम 6 या 7 घंटा चार्ज कर चाहिए, तब तक बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं भ जाए। हम बैटरी कोना चार्ज कर सके छी? अइ चरण के अनुसरण करू। पहले केबल के चार्जिंग हेड में लगा लिया और प्लग के स्टैंडर्ड एसी पावर में लगा दियो। डिवाइस अपने आप चार्ज होबा लागत। डिवाइस के पूरा चार्ज भ गेला के बाद चार्जर के प्लग से हटा कर राख लिया। डिवाइस में ऊर्जा संरक्षण हेतु पावर सेव बटन के दबा कर बंद कैल जा सकैया। स्क्रीन के पुनः चालू करे के लेल अहि प्रक्रिया के दोबारा करू। डिवाइस के बंद करे के सही तरीका की छे? जब अहाँ के डिवाइस के बंद करे के होए तो निम्न अनुसार करू। पहले पावर बटन के कुछ समय के लेल बंद कर के राखू। तब टेबलेट के बंद करे के लेल मेनू के खोला पर देखल जात। तब पावर ऑफ पर टच कर डिवाइस के बंद करू। होम स्क्रीन एप्लीकेशन फंक्शन मेनू के लेल स्टार्टिंग प्वाइंट अछि। अहाँ अपन होम स्क्रीन एप्लीकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर के जोड़ के कस्टमाइज कर सके छी। स्क्रीन के बायां और दायां खिसकाय जाय वाला टेबलेट के अतिरिक्त विशेषता देखायत। तो अहाँ सिखलो जे केना लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन या फिर टैबलेट इस्तेमाल कर सके छी। चलू आब अपना सब अइ प्रक्रिया में भाग ले।